हाई स्कॉर्पियो एंड वेलकम टू फ्लोरल डारो रीडर हाउ यू गाइज आर डूइंग स्कॉर्पियो थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है ट्रेली मीन्स अ लॉर्ड स्कॉर्पियो मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप लिंक एड नंबर मैंशन है व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक कीजिए आई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस स्कॉर्पियो ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जून मंथ की देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं क्या गाइडेंस है क्या फ्यूचर होगा सो लेट्स गेट स्टार्टेड अपने पर्सन को अपने माइंड एंड हार्ट में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए लेट्स चेक सम जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ स्कॉर्पियो ओके यू गॉट न्यू लव नाइस

intention of your person is seven of swords my God future action of your person is king of coins your energy knight of coins and future of this whole connection very important star bottom of the deck we declare the two of Wands in reverse justice in reverse mm. Scorpio pelis zodiac sign bata zodiac sign is Gemini Libra Aquarius एंड टॉरस वर्गो केप्रिकॉन बाकी आपका पर्सन जस्ट बेस और साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो स्कॉर्पियो हम्म ओके स्कॉर्पियो अगर अगर क्योंकि ये देखो यहाँ पे पूरी ग्लोबल ऑडियंस देख रहे हैं अगर आप लोग का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है बाय एनी चांस अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है अगर आप सोचें कि आइए अपनी बीवी को हस्बैंड को अपने फैमिली को छोड़ के आपके पास पूरी तरीके से आएंगे आपसे शादी करेंगे कि नहीं द आंसर इज नो दे आर नॉट लिविंग दे फैमिली फैमिली अपनी फैमिली को अपनी बीवी को अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते हैं बट आपके साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे इतनी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपका पर्सन बहुत कनिंग है जो भी है बहुत कनिंग व्यक्ति हैं

हिंदी में आप हिंदी मुहावरे में नहीं समझाने वाली चोर की ताड़ी में तिनका का है आपका पर्सन मतलब ये खुद तो चीट कर रहे हैं आपके ऊपर खुद तो धोखा दे रहे खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने बना के रखी है मेंटेन करके रखी हुई है बट ये आपके ऊपर शक कर रहे हैं मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है आई एम टेलिंग यू स्कॉर्पियो तो करंट एनर्जी में व्हाट सीइंग इज दैट कि जो भी ये जो 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 ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी बहुत बातचीत हो रही है रोमांस है सब कुछ है ऑल्सो मेरे हिसाब से जब आप स्कॉर्पियो कन्फ्रंट करते हो आप बोलते हो कि ये क्या चल रहा है क्या मजाक है आप उनसे भी आप बातचीत कर रहे हो उनको भी एंटरटेन कर रहे हो मुझे भी एंटरटेन कर रहे हो लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन आप क्लैरिटी लेके आओ तो ये उल्टा आपके आप डांटते हैं स्कॉर्पियो ये उल्टा बोलते हैं भाई तुम हो आपको जैसे कहते हैं ना कि जब आप सामने वाले की गलतियां गिनाते हैं तो वो आपकी गलतियां गिनाने लगता है या आपकी आपके ऊपर ब्लेम डालता है मेरे हिसाब से ये चीट कर रहे हैं आपके ऊपर या इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन मेंटेन करके रखी है ये रीजन ये देते कि भाई तुम केयरिंग नहीं हो तुम लविंग नहीं हो इसलिए मैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ

That's the current energies towards you. मतलब ये अपनी गलतियां नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं और मेरे हिसाब से वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इतनी महाटॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी पता है कि वो आपके साथ इन्वॉल्व है आपके साथ एक रिलेशनशिप है मेरे हिसाब से वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है मैं ये सब चीजें बोलती नहीं हूँ बट आपके केस में दिख रहा है स्कॉर्पियो की वो इनको भड़का रही है आपके खिलाफ भड़का रहा है या भड़का ये जेंडर अपने हिसाब से रिवर्स कर लेना वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन को बहुत भड़का रहे हैं और ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनके उस, उस उनकी बातों पे दैट्स द करेंट एनर्जीज मतलब इट्स हाईली टॉक्सिक मेरे हिसाब से आप ये जो नॉनसेंस जो ये चल रहा है बहुत टाइम से एटलीस्ट मुझे दिख रहा है फेब से तीन चार महीने से आप ये डील कर रहे हो

डों केयर अबाउट यू आप इमोशनली सफर कर रहे हो आप रो रहे हो आप गा रहे हो आप परेशान इन्हें फर्क नहीं पड़ता दैट्स द इंटेंशन सेवन ऑफ सो ये चीट तो कर ही रहे हैं इन्होंने तो मल्टीपल पार्टीज क्रिएट करके वो तो कर ही रहे हैं वो तो बहुत एविडेंटली दिख रहा है बट देर इंटेंशन टूवर्ड्स यू एज ऑफ नाउ इन दिस मोमेंट देयर अबाउट यू उन्हें आपके इमोशन से आप क्या फील करो उन्हें फर्क नहीं पड़ता ना हो प्लीज वॉच दिस रीडिंग क्योंकि एनर्जीज़ फ्यूचर में पॉजिटिव कन्वर्ट होते हुए दिख रही रहे हैं देयर अबाउट यू दैट द इंटेंशन टू वॉच यू ये अभी ना ये खूब अकड़ में बैठे हैं खूब चलाकी में बैठे हैं बट अभी बताती हूँ क्या होगा अभी ये होगा इन द कमिंग आप मान के चलिए इन कमिंग वीक्स वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना ही ही आप, आप बहुत अच्छे पर्सन हो स्कॉर्पियो मैं आपको तो कुछ ही नहीं रही हूँ आज के एनर्जीज में यू आर डूंगूटली परफेक्ट आपने अपनी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट डिग्निटी अपना आत्मविश्वास आत्मसम्मान मेंटेन करके आप, आप अभी भी चल रहे हो बट इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन को ऐसा धोखा देने वाली है चलाक लोमड़ी की एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन की है वो ऐसा लात मारने वाली है कि इस पर्सन को फिर जो अकल आएगी ना एंड कम रनिंग नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर एक्शन थ्री ऑफ सोच डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू किंग ऑफ कॉइंस मतलब ये एनर्जी कन्वर्ट कैसे हुई है विद द जेंडर रोल्स कि वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ वो जो कर रहे हैं देखो कर्मा सबको मिलता है आपने अगर अच्छा कर्मा किया आपको अच्छे, कर्मों की फल मिलेगा बुरा कर्मा किया इंटेंशन साफ है सब 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 कुछ इन्हें फिर ऐसा सबक मिलने वाला है इन द कमिंग थ्री टू फोर वीक्स इतना बड़ा अवेकनिंग होने वाला है दैट कम कम एंड कम रनिंग टुवर्ड्स यू आई एम टेलिंग यू स्कॉर्पियो ये पर्सन आ रहा है ये पर्सन माफी मांगते हुए दिख रहा है स्कॉर्पियो <laughs> स्कॉर्पियो अपोलोजाइजिंग ये माफी मांगते हुए दिख रहे हैं और बताऊं फ्यूचर एक्शन में और मजा आएगा सुनिए ये आ रहे हैं ये माफी मांगेंगे ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं ये आ रहे हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटा के आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियो आपकी जो इम्पोर्टेंस है ना स्कॉर्पियो ये रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं। इन्हें ये हो रहा है तीन से चार हफ्ते के अंदर अंदर कि स्कॉर्पियो ही एक इकलौता है जो अच्छा है दे आर कमिंग टू वर्ड यू ऑफ ये अपोलोजाइज ये माफी मांगते हुए दिख रहे हैं और आने वाले फ्यूचर एक्शन में ये आपकी केयर रिस्पेक्ट लव सब कुछ करते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियो मतलब इतना डायरेक्ट कन्वर्जन डायरेक्ट कन्वर्जन किंग ऑफ वाइट ऑफ पॉइंट इनकी ये इनकी एनर्जीज हैं सब ये आ रहे हैं आई एम टेलिंग यू स्कॉर्पियो ये इनको करने दो इनको करने दो इनको करने दो ये आ रहे हैं एंड स्कॉर्पियो स्कॉर्पियोज का वैसे भी इंफ्यूशन सबसे हाइएस्ट होता है आपको मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पता है डी नो द स्कॉर्पियो के कहीं जा नहीं रहे हैं। आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन की नियत के बारे में भी पता है इस पर्सन के भी बारे में भी पता है ये आ रहे हैं कमिटमेंट लव सब कुछ लेके इन दर कमिंग फ्यूचर एक्शन दे आर रियलाइजिंग योर इम्पोर्टेंट स्कॉर्पियो योर एनर्जी स्कॉर्पियो आई एम आई एम है आई एम वेरी 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 हैप्पी विथ यू स्कॉर्पियो आप जिस तरीके से अपनी लव लाइफ कैसे हैंडल कर रहे हो इतनी डिग्निटी के साथ आत्मसम्मान के साथ कि मैं बहुत खुश हूँ स्कॉर्पियो आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ किया बट आप एहसान फरामोश नहीं है आपने एहसान नहीं जताया इस पर्सन को कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया मैंने तुम्हारे लिए वो किया नो no. आपने इस पर्सन को पूरी शिद्दत से मोहब्बत की है आपने किया है आपने किया है आपने खूब किया है इन्होंने फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर दी इन्होंने इन्होंने इतना ट्रॉमा दिया है आपको इन्होंने इतनी तकलीफें दी हैं बट आप उस तकलीफों का घूट पी के सह रहे हो आपने कभी कंप्लेन नहीं किया हाँ जो गलत बात है जो गलत चीजें ये कर रहा है आपने कन्फ्रंट किया है जो कि करना चाहिए जो कि अपने हक का पूछना चाहिए आपने सही सही मेरे हिसाब से आप इतने लॉजिकल हो आप इतने समझदार हो स्कॉर्पियो आपने कभी फालतू मुद्दों पे लड़ाइया नहीं किए कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लिया छोटी छोटी बातों पे वो कर लिया नो आप ऐसे पर्सन हो कि आपने मुद्दे की बातें लॉजिकल बातें जैसे फालतू लड़ाई झगड़ा रोना गाना नो आपने जब जब आपने इनका पकड़ा कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मेंटेन कर रहे हैं ये वो कर रहे हैं आपने पर, आपने बहुत अच्छे से कन्फ्रंट किया और ये पता हूं कहीं ना कहीं समझते हैं कि भाई स्कॉर्पियो इज अ डिग्निफाइड पर्सन ये जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं एक वो मैं कुछ कल मैं वो एक वो मूवी देख रही थी कौन सी वो टिस्का चोपड़ा की कौन सी मूवी उसमें अनुराग कश्यप है और वो लड़की है पंजाबी लड़की जिसमें उसका हस्बैंड चीट करता है फिर उस लड़की के घर में जाता है छुरी आई थिंक फिल्म है दस पंद्रह मिनट की और क्या डिग्निटी के साथ हो वही डिग्निटी मुझे आपकी एनर्जी में दिख रही है स्कॉर्पियो की आप इतने आपके अंदर इतना सबर है मतलब मुझे आपसे शायद पर्सनली सीखना चाहिए कि इतना सबर आप लोग लाते कैसे हो स्कॉर्पियो आई एम प्राउड ऑफ यू स्कॉर्पियो आपको देखो आप बहुत प्रैक्टिकल हो आप लॉजिकल हो आप मेरे हिसाब से आप टाइम दे रहे हो आपको लग रहा है कि चलो थोड़ा वक्त देते हैं सब कुछ देते हैं सही हो जाएगा सब सही हो जाएगा आपके अंदर बहुत पेशेंस है स्कॉर्पियो मतलब मैं शायद पर्सनली आपकी जगह में होती तो मैं तो अपने इतना नॉन सेंस डील नहीं करती हूँ बट आप डील कर रहे हो और बहुत डिग्नेफाइड तरीके से डील कर रहे हो और स्कॉर्पियो मेरे हिसाब से आप करेक्ट पाथ में हो आप ये भी नहीं कर रहे हो कि आप बेग कर रहे हो आप कह रहे हो नो प्लीज कम बैक नो थर्ड पार्टी नो डिग्निफाइड ये बात नहीं कर रहे हैं आप बात नहीं कर रहे हो ये बात करते आप अच्छे से बात करते हो तो बट जो चीज गलत है आप अपना अपनी आवाज उठाते हो और बहुत ही अच्छे से बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में और स्कॉर्पियो में यही गाइडेंस आ रही है कि स्कॉर्पियो जो लोग परेशान हैं जो लोग रो रहे हैं जो लोग भीख मांग रहे हैं डोंट डू दिस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करिए पेशेंस रखिए बिकॉज करिएशंस कमिंग एंड कमिंग बैक द एनी वे कमिंग बैक द एनी वे चूजिंग यू वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनसे भी ज्यादा टॉक्सिक है वो उनके साथ नहीं रहेंगे दे आर कमिंग एंड चूजिंग स्कॉर्पियो टेलिंग यू बाकी सीरियसली पर्सनल रीडिंग बुक कराओ क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है डज नॉट मीन की ये कि ये जो दस हजार या एक हजार लोग देख रहे सबकी सब लाइफ में वो चीज हो दैट्स द एनर्जी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू स्कॉर्पियो Future of this whole connection, the star. <laughs> <laughs> मेरे की एनर्जी तो है जो भी ब्लॉकेजेस है ना जितने भी ब्लॉकेजेस थर्ड पार्टी सिचुएशन रोना गाना सब हटने वाले हैं आप दोनों की लव लाइफ बहुत अच्छी हो रही है आप दोनों एक दूसरे की लव केयर रिस्पेक्ट हैप्पीनेस आप दोनों के बीच में ना बहुत खुशियां आते हुए दिख रही है मेरे हिसाब से सा आप दोनों एक दूसरे के मैनिफेस्टेशन हो आप दोनों ने यही प्रे किया था कि मुझे मुझे स्कॉर्पियो जैसा पर्सन मिले और आपने प्रे किया था कि मुझे इस जैसा पर्सन मिले और आप लोग का यूनियन है आप लोग का यूनियन है आप लोग के बीच में बहुत हैप्पीनेस बढ़ते हुए दिख रही है रिलेशनशिप में जितने भी इश्यूज है सब सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं मच्योरिटी लव केयर रिस्पेक्ट हैप्पीनेस सब कुछ बढ़ते हुए दिख रहा है स्कॉर्पियो क्लेम करो रीडिंग इफ यू वांट कि ये जो energies में जो एनर्जीज मैं आपको बता रही हूं, वो रेजोनेट हो मेरे हिसाब से आप दोनों एक ये जब आएंगे ना मेरे हिसाब से आएंगे रो देंगे आपके सामने कहेंगे स्कॉर्पियो मैंने गलत किया आपके साथ अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा अब मैं आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा एंड दे विल मीन इट दे विल मीन देर वर्ड्स और मुझे वो ही दिख रहा है बहुत खुशियाँ बहुत हैप्पीनेस बहुत ज्यादा प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है आप दोनों के बीच में क्लेम कर दो रीडिंग स्कॉर्पियो सब अच्छा होगा थ्री टू फोर वीक्स के अंदर आप बस अपनी रिस्पेक्ट अपनी डिग्निटी पेशेंस मेंटेन करके रखो दैट्स इट क्योंकि इन्हें इन्हें पता पता है इन्हें अभी नहीं पता है बट इन्हें कमिंग डेज में पता चलेगा कि भाई स्कॉर्पियो से डिग्निफाइड स्कॉर्पियो से सुलझा हुआ स्कॉर्पियो जिस हिसाब से मुझे प्यार करता है मुझे ऐसा प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा दैट इज द एनर्जी स्कॉर्पियो बाकी सीरियसली कोई भी इश्यूज़ हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल ट्रर रीड बाय